आज हम नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन को समझेंगे और नेटवर्क टोपोलॉजी की जो फर्स्ट टाइप है बस टोपोलॉजी, उसको डिस्कस करेंगे। जब हम एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर्स और दूसरी डिवाइसेस को जोड़कर हम अपने नेटवर्क की जो फिजिकल शेप बना लेते हैं, इसे हम नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम देते हैं। अब डेफिनेशन के पॉइंट्स को देखते हैं। अ नेटवर्क कैन बी अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज। एक नेटवर्क को मुख्तलिफ तरीकों से तरतीब दिया जा सकता है। द फिजिकल लेआउट आर अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क में मौजूद कनेक्टेड डिवाइसेस की अरेंजमेंट को नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम देते हैं। अब नेटवर्क की फिजिकल शेप 5 किस्म की हो सकती है। नंबर 1 बस टोपोलॉजी, नंबर 2 स्टार टोपोलॉजी, नंबर 3 रिंग टोपोलॉजी, नंबर 4 ट्री टोपोलॉजी और नंबर 5 मैश टोपोलॉजी। तो नंबर 1 बस टोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं। लेकिन बस टोपोलॉजी को डिस्कस करने से पहले कुछ मजीद कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। नंबर 1 आईपी एड्रेस। नेटवर्क में मौजूद हर कंप्यूटर को एक खास नंबर एलोकेट किया जाता है, उसे आईपी एड्रेस कहते हैं, और इस नंबर से उस कंप्यूटर की नेटवर्क में शिनाख्त की जाती है। हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दूसरे कंप्यूटर से मुख्तलिफ होगा। नंबर 2 डाटा पैकेट्स। जब नेटवर्क में एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करती है, मींस डाटा भेजती है, तो इस भेजे जाने वाले डाटा को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है और हर हिस्सा डाटा पैकेट कहलाता है। हर डाटा पैकेट में 3 चीज़ें ज़रूर शामिल होती हैं। नंबर 1 डाटा जो भेजा जाएगा। नंबर 2 आईपी ऑफ सेंडर, डाटा पैकेट भेजने वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। नंबर 3 आईपी ऑफ रिसीवर, डाटा पैकेट को रिसीव करने वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। अब हम बस टोपोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। बस टोपोलॉजी में तमाम कंप्यूटर्स एक सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसे हम सेंट्रल वायर्स मीन बस का नाम देते हैं, जहां पर एक कंप्यूटर की वायर इस सेंट्रल वायर के साथ जुड़ती है, उसे हम टेप या कनेक्टर का नाम देते हैं, और हमारे इस कंप्यूटर की वायर को हम ड्रॉप लाइन का नाम देते हैं। बस टोपोलॉजी में एक वक्त में सिर्फ एक कंप्यूटर ही डाटा भेज सकता है। एक कंप्यूटर का भेजा गया डाटा जब तक मतलूबा कंप्यूटर तक पहुंच नहीं जाता, बाकी कंप्यूटर्स को डाटा भेजने के लिए वेट करना पड़ता है। अगर इस दौरान कोई दूसरा कंप्यूटर डाटा पैकेट को सेंड करने की कोशिश करे, तो दोनों डाटा पैकेट्स टकराने से डाटा लॉस हो जाता है। इसी वजह से इस टोपोलॉजी में ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ाने से डाटा पैकेट के टकराव के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब एक कंप्यूटर डाटा पैकेट को सेंड करता है, तो ये डाटा पैकेट हर कंप्यूटर के पास जाएगा। जिस कंप्यूटर के साथ आईपी एड्रेस मैच हो जाता है, तो वो कंप्यूटर डाटा पैकेट को रिसीव कर लेता है, और जिनके साथ मैच नहीं होगा, वो कंप्यूटर्स उस डाटा पैकेट को डिस्कार्ड कर देते हैं। क्योंकि हमने केबल के एंड्स पे कोई कंप्यूटर्स या डिवाइस अटैच नहीं की होती, तो डाटा पैकेट्स एंड से बैक मूव करते हैं, जिससे बाकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है। इसलिए केबल के एंड्स पे टर्मिनेटर्स लगाए जाते हैं, ताकि डाटा पैकेट्स को एब्जॉर्ब करें। एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। इट इज सिंपल एंड इजी टू यूज। ये बहुत ही आसान और सादा है। इट रिक्वायर्ड स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए बहुत थोड़ी केबल की जरूरत होती है। इट इज लेस एक्सपेंसिव। इसको बनाने में खर्चा कम आता है। इट इज ईजी टू एक्सटेंड अ बस। इट अलाउज मोर कंप्यूटर्स टू ज्वाइन अ नेटवर्क। आप केबल को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जिससे आप मजीद कंप्यूटर्स को शामिल कर सकते हैं। इफ वन कंप्यूटर फेल्स, इट डज नॉट इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क।
अगर कोई एक कंप्यूटर फेल हो जाए तो उसे बाकी नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता। अब बस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो इसमें नंबर वन, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे ट्रबल शूट करना, मतलब इसे फाइंड करना और रिजॉल्व करना मुश्किल होता है। नंबर टू, इट ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें आप चंद कंप्यूटर्स ही लगा सकते हैं। नंबर थ्री, द स्पीड स्लोज डाउन एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेस, जैसे ही आप नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को बढ़ा देंगे तो डाटा ट्रांसफर स्पीड स्लो हो जाएगी और इससे इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और नंबर फोर, इफ बैकबोन केबल ब्रेक देन ऑल नेटवर्क विल बी ब्रेक डाउन, इसमें अगर बैकबोन केबल ब्रेक हो जाती है तो पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा। इस टोपोलॉजी में सिक्योरिटी का रिस्क भी होता है, क्योंकि डाटा पैकेट ने हर कंप्यूटर के पास जाना होता है आईपी एड्रेस को मैच करने के लिए। इसी वजह से इस टोपोलॉजी को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।